हेलो स्टूडेंट, कल हमने 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का तीसरा लेसन स्टार्ट किया था, जिसका नाम था भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। तो जिसमें मैंने दो बताए थे, भारतीय संघात्मक और एकात्मक तत्व है दोनों। केसी वीयर ने इसको अर्धसंघीय व्यवस्था कहा है। कल हमने संघात्मक तत्व पढ़ लिए थे, आज है एकात्मक तत्व। हेडिंग डालते हैं एकात्मक तत्व। हेडिंग होगी सबसे पहला जो इसकी विशेषता है, एकल संविधान। या एक संविधान, पहली विशेषता क्या, भारतीय संघीय व्यवस्था में संविधान एक है। संघात्मक व्यवस्था में दो प्रकार का संविधान होता है। जो बेसिक संघात्मक व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका में जो है उसमें दो प्रकार का संविधान होता है, एक राज्यों का संविधान होता है, दूसरा केंद्र का। राज्यों केंद्र का, दोनों का अलग अलग संविधान होता है, जबकि भारत में एक ही संविधान है, संपूर्ण एक ही संविधान है, वही केंद्र व राज्य दोनों में लागू होता है। पहली विशेषता यह होगी। दूसरी है एकल नागरिकता। और दूसरी हमारे संघीय व्यवस्था होने के बाद भी क्या एकात्म तत्व यह है कि इसमें एकल नागरिकता है। संघीय व्यवस्था जहां होती है वहां पर दो प्रकार की नागरिकता मिलती है, एक तो राज्यों के और दूसरा मिलते हैं केंद्र के। जैसे अमेरिका में, जैसे एक पूरे अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, दूसरा उनके राज्य, जैसे न्यूयॉर्क की, न्यूयॉर्क के जो निवासी है उनको दो प्रकार की नागरिकता मिलेगी, एक तो न्यूयॉर्क की और दूसरा यूएसए की, अमेरिका की। किंतु हमारे देश भारत में एकल नागरिकता है। हम चाहे किसी भी स्टेट में रहें, चाहे कहीं भी रहें, चाहे जम्मू कश्मीर रहें, अब पहले जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए अलग संविधान था, दोहरी नागरिकता थी, किंतु अब एकल नागरिकता है। अब धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 हटी थी 5 अगस्त 2019 को, 19 को धारा 370 हटने के बाद अब संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान हो गया। चाहे हम राजस्थान में रह रहे हैं, चाहे यूपी या चाहे बिहार किसी में भी रह रहे हैं, हमारे देश की नागरिकता इंडियन कहलाएगी, हम इंडियन नागरिक कहलाएंगे। अब तीसरा है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, तीसरी जो विशेषता है हमारे एकात्मक की वो है शक्तियों का विभाजन। मैंने जो बताया था संघात्मक में शक्तियों का विभाजन होता है, स्पष्ट शक्तियां होती हैं, जैसे संघ सूची और राज्य सूची, संवर्ती सूची में, संघ सूची में 97 विषय बताए थे मैंने, राज्य सूची में 61, संवर्ती में 52 विषय। पहले 47 थे, 52 हो गए, यहाँ पर पहले 66 थे, अब 61 हो गए। अब देखो इससे साफ पता चला है कि शक्तियों का विभाजन वो केंद्र के पक्ष में। देखो पहले तो उसमें संघ सूची में 97 विषय जोड़ रखे हैं, 97 विषय 97 विषय डाल रखे हैं जो राज्य सूची और संवर्ती सूची से ज्यादा है, और संघ सूची में महत्वपूर्ण विषय डाल रखे हैं जो पूरे देश के लिए काम आते हैं, वो विषय डाले हुए हैं। दूसरी बात, और अब ये संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु प्रॉब्लम या समस्या हो जाती है, दोनों के कानून में विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो संघ सूची का कानून, संघ केंद्र का सरकार का कानून नहीं मान्य होगा। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा हैं। अब चौथा है संविधान संशोधन। संबंधित तत्व, संविधान संशोधन जो भी एकात्मक विशेषता है हमारे संविधान में, संविधान संशोधन कौन, सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है संविधान में संशोधन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को अधिकार नहीं है संविधान में संशोधन। जो मैंने विधि बताई थी, तीन प्रकार की विधि है, अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार से संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन में अधिकतर जो भी संशोधन होते हैं, सारे संशोधन केंद्र सरकार ही करती है। इससे यह माना जा सकता है कि हमारे संविधान में एकात्मक तत्व मौजूद है। अब पांचवा है आपातकालीन उपबंध, जो भाग 18 जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं इनको, और ये अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 में
राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 जो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगता है, और अनुच्छेद 3 वित्तीय आपातकाल है। जो आपातकाल लगता है तो हमारे देश में चाहे राष्ट्रीय आपातकाल चाहे संविधान संशोधन या कोई वित्तीय आपात, तीनों आपातकाल में कोई भी आपातकाल लगता है तो जो सरकार होती है केंद्र के हाथ चले जाते हैं, या राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्य सरकार नहीं चला पाती है, संविधान के अकॉर्डिंग कोई शासन नहीं कर पाती है, तो वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब होता है कि जो शासन की सारी शक्तियां है वो केंद्र के पास चली जाती है, और राष्ट्रपति या जो राज्य वहां पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाता है। इससे यह जाहिर होता है कि यहाँ पर क्या एकात्म व्यवस्था भी है। अब छठा, संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने में सक्षम है। जो संसद है, हमारे संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। वह राज्यों की चाहे हमारे देश के 28 राज्य, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, किसी राज्य की सीमा दूसरे राज्य से जोड़ना, दो राज्यों को एक राज्य करना, एक राज्य के दो टुकड़े करना, ये सारे जो कार्य करते हैं वो संसद द्वारा करती किया जाता है। तो इस प्रकार ये एक जो राज्यों को जो स्वतंत्रता दी है, इसमें नाम मात्र की स्वतंत्रता दी है। राज्य सिर्फ अनुमति ले सकते हैं, राष्ट्रपति अनुमति मांग सकता है, किंतु संसद अपनी इच्छा से वो सब करती है। अब साथ में राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्य है हमारे देश के जो भी राज्य हैं, इसमें राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। यह केंद्र है राज्य के मध्य कड़ी का कार्य करता है और संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यों का। प्रमुख होते हैं या किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यह आपका लेसन नंबर 3 पूरा हो गया है, जो इसमें हमने पढ़ा था संघीय व्यवस्था के तत्व, जो एकात्मक भी है हमारे संविधान में, कुछ संघात्मक है, दोनों का मिश्रण है। इसीलिए केसी वेयर ने अर्ध संघीय व्यवस्था का है भारतीय संविधान को, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 लेसन पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम 4 लेसन पढ़ेंगे, संसद।